डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं अंकित जैन और इस बार हम बात कर रहे हैं जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं इसके थर्ड स्टेज पे बात करूंगा, मतलब इस सीरीज का थर्ड स्टेप मैं कह सकता हूँ जो आज चालू होने वाला है। इसमें भी कुछ सिलेक्टिव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो ये ओवरऑल हमें एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। तो हमें आरसीसी कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मतलब ग्रेवाल की मैक्सिमम साइज कितना लिमिटेड हो सकती है, उसके बारे में बात करनी है। क्योंकि हम पर्टिकुलरली आरसीसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और आरसीसी कंस्ट्रक्शन किसी शेप के लिए, सपोज बीम या स्लैब के लिए कंडक्ट किया जाता है। आरसीसी कंस्ट्रक्शन में रिइंफोर्समेंट यूज किए जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करें, जो हम शेप ले रहे हैं जैसे कि स्लैब या बीम, तो उसका जो मिनिमम साइज या थिकनेस है उसके फोर्थ टाइम करने पे, यानी उसका फोर्थ पार्ट करने पे जो वैल्यू आती है, एक वो वैल्यू लेने पे, ठीक है। सेकंड, जो रिइंफोर्समेंट है, सपोज दो रिइंफोर्समेंट है तो उनके बीच की जो स्पेस है, उनके बीच का जो स्पेस है, क्लियर स्पेस, वो सेकंड ये फैक्टर। और थर्ड रहता है 20 mm, ठीक है। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ही क्या होती है, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होती है फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पर यहां पे ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, यहां पे डायरेक्टली हमको चार वैल्यूज या चार ऑप्शंस गिवन है, 10 mm, 15 mm, 20 mm और 25 mm। तो यहां पे क्योंकि दूसरी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है नहीं, तो हम यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन पे ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो 20 mm जो गिवन है, जो ऑप्शन सी है, 20 mm करेक्ट होगा, ठीक है। तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम साइज 20 mm तक हम लिमिटेड रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम जो एग्रीगेट है, जो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, और उनमें भी जो एक रेंजेस बनती हैं, ठीक है, उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि उनके बीच में वॉइड्स बिल्कुल भी ना छूटे। वॉइड्स छूटने से क्या होता है, जितना भी वॉइड्स छूटता जाएगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि चांसेस ऑफ क्रैक बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है डेफिशिएंसी आ सकती है स्ट्रेंथ में, ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी कम होगी, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है। तो बेसिक जो है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्यों किया जाता है, ताकि उसमें कुछ भी वॉइड्स ना बचे। उसको अचीव कैसे किया जाता है, जो सबसे पहले बड़े एग्रीगेट्स रहते हैं उनके बीच में जो वॉइड्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। यदि वॉइड्स इतने बड़े हैं कि उसको छोटे कोर्स एग्रीगेट से कम फिल किया जा सकता है, तो उनसे फिल किया जाता है। उसके बाद जो और भी छोटे वॉइड्स बचे रहते हैं उसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं फाइन एग्रीगेट से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हम उनको पढ़ के बता सकते हैं कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन ए है, एडिक्वेट वर्केबिलिटी, ठीक है। तो ग्रेडिंग प्रॉपर वे में होगी तो एडिक्वेट वर्केबिलिटी तो होगी ही, ठीक है। सेकेंड में बात करूं, हायर डेंसिटी, यदि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट यहां पे है तो हायर डेंसिटी भी होगी। ऑप्शन सी है, रिडक्शन ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो ग्रेडिंग अच्छी है तो रिडक्शन इन वॉइड्स होगा, और ग्रेडिंग बहुत सुपीरियर है तो बेटर ड्यूरेबिलिटी भी होगी। तो यहां पे चारों के चारों ऑप्शंस इस तरीके से दिए हैं जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट को सपोर्ट करते हैं, उसके कोहरेंट है। पर इसमें सही आंसर क्या है, सही आंसर कौन सा होगा, जो जिस ऑब्जेक्ट को बेस करके ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट अचीव किया जाता है और बाकी सब जितनी भी चीजें हैं उस पर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है,
बाकी सब चीजें उस पर डिपेंडेंट होंगी। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो वॉइड्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि वॉइड्स को कम कर देते हैं। सपोज यदि वॉइड्स को हम कम कर देंगे तो क्या होगा, जो कॉन्क्रीट अचीव होगा वो हायर डेंसिटी का होगा, मतलब हायर डेंसिटी रिडक्शन ऑफ वॉइड के कारण आ रही है, ठीक है। तो ये एक प्रीमियर चीज हो गई या प्राइमरी चीज हो गई, और बाकी हाई डेंसिटी सेकेंडरी चीज हो गई, ठीक है। अब यदि रिडक्शन इन वॉइड्स है, यदि बहुत ही कम वॉइड्स हैं, तो एडिक्वेट वर्केबिलिटी भी अचीव होगी, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, और बेटर ड्यूरेबिलिटी भी अचीव होगी, क्योंकि ऐसे बहुत ही सारे जो फैक्टर्स हैं, यदि हम रिडक्शन इन वॉइड्स कर देते हैं तो इसकी परमेबिलिटी भी कम हो जाएगी, इसमें जो इंट्रूजन ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल्स है जो इसको डेटरिरेट कर सकता है कंक्रीट को, वो भी क्या हो जाते हैं, उनका भी इनग्रेस होना कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि रिडक्शन इन वॉइड या रिडक्शन ऑफ वॉइड्स जो है प्राइमरी चीज है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, एडिक्वेट वर्केबिलिटी, हायर डेंसिटी, बेटर ड्यूरेबिलिटी, ये इसी के कारण जो है अचीव हो पाते हैं। तो यहां पे एक हम इजीली बोल सकते हैं कि जो क्लियर कट चीज होने वाली, क्लियर कट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, रिडक्शन ऑफ वॉइड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो, फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो, इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया है, एक एग्रीगेट को कांस्टेंट या उसकी वैल्यूज जो है हमने कांस्टेंट रखी हुई है, और करस्पॉन्डिंगली हम वाटर सीमेंट रेशियो मतलब WYC रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं। WYC रेशियो का हमें पता है यदि हम उसको इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, ये हमको एक फैक्ट पता है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में कौन कौन से ऑप्शंस गिवन हैं, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कैसा क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज द स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंक्रीज द वाटर वाई सीमेंट रेशियो, डिक्रीज द स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, डिक्रीज श्रिंकेज, ऑप्शन सी है इंक्रीज श्रिंकेज, ठीक है। ऑप्शन डी है डज नॉट कॉज एनी चेंज इन श्रिंकेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और जो गलत है हमें पता है। अब यहाँ पे हमको जो दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा पैरामीटर है वो श्रिंकेज है, तो श्रिंकेज से हमें डील करना है। तो यदि एक सीमेंट पेस्ट में हम वाटर इंक्रीज कर रहे हैं, सीमेंट को कॉन्स्टेंट रख के वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब ये ड्राई होगा या फिर ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा होगा, जो इवेपोरेशन की कंडीशन आएगी तब इसमें से ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इसका जो है श्रिंकेज भी ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम जो होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डिक्रीज श्रिंकेज भी गलत होगा, डज नॉट काज एनी चेंज इन श्रिंकेज भी गलत होगा, और सही होगा इंक्रीजेज श्रिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपीन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन। तो यहां पे ये जो एक क्वेश्चन हो जाता है साइक्लोपीन एग्रीगेट वाला, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के सिनेरियो में, और ये सिग्निफिकेंटली पूछे भी जाते हैं। तो हमें जब तक ये पर्टिकुलरली फैक्ट हम नहीं पढ़ते हैं कि साइक्लोपीन एग्रीगेट क्या होता है, तब तक हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। अब यदि हम इसके फैक्ट पे जाते हैं तो इसमें डायरेक्टली ही बात कर लेते हैं कि जो साइक्लोपीन एग्रीगेट है उसका साइज यदि 75 mm से ज्यादा है तो उसको साइक्लोपीन एग्रीगेट बोला जाता है, ठीक है। कितना 75 mm से ज्यादा है तो उसको साइक्लोपीन एग्रीगेट बोला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली बेस्ड है फैक्ट पे, और जब तक फैक्ट नहीं पता होगा हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है।
गलती होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को आता है तभी अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज छोड़ना ही बेटर रहता है एग्जाम के केस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब हमें यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। चार स्टेटमेंट्स गिवन है, चार ऑप्शंस के फॉर्म में। ऑप्शन ए है, बल्किंग ऑफ सैंड गो अप टू 40%। ऑप्शन बी है, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4 to 6% मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ऑप्शन सी है, बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड इन वेट बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। ऑप्शन डी है, बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू फ्री मॉइस्चर फिल्म फॉर्मेशन ओवर सैंड ग्रेन, ठीक है। तो ये हमें चार ऑप्शंस गिवन है, हम इसका वन बाई वन बात करते हैं, ठीक है। तो बल्किंग ऑफ सैंड कैन गो अप टू 40%। बल्किंग से क्या मतलब है, बल्किंग से एक सीधा सीधा मतलब होता है कि सैंड का वॉल्यूम, उसमें मॉइस्चर बढ़ने के साथ इंक्रीज होना, ठीक है। कैन गो अप टू 40%। तो 40% क्या है ये नहीं दिया है, 40% एक इंक्रीज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, और 40% मॉइस्चर कंटेंट तक भी वर्किंग ऑफ सैंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं, तो यहां पे बल्किंग ऑफ सैंड मतलब यदि बल्किंग ऑफ सैंड बोला है तो इस फिनोमिना की बात की जा रही है। तो फिनोमिना किस कारण होता है, मॉइस्चर कंटेंट के इंक्रीज के कारण। तो ये 40% है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इंक्रीज की ही बात यहाँ पे की जा रही है, ना कि चेंज इन वॉल्यूम। यदि चेंज इन वॉल्यूम होता तो साफ साफ लिखा होता चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट में क्लियरिटी हमें आ गई है कि बल्किंग ऑफ सैंड कैन गो अप टू 40%। तो ये बिल्कुल सही है कि डिफरेंट डिफरेंट सेंस की यदि हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट केस में ये 40% तक ये पॉसिबल है। बाकी ये 40% के ऑर्डर में बात की जाए तो ये काफी कम बल्किंग होती है, पर बल्किंग होती है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, पर हमें यहाँ पे क्या देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4 to 6% मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो बल्किंग ऑफ सैंड जो है 4 से 6% पे हमको पता है कि मैक्सिमम देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। यदि हम एक नॉर्मल सैंड की बात करें, यदि हम फाइनर और फाइनेस्ट सैंड की तरफ जाएं तो ये एक वैल्यू थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली फाइनर सैंड के बारे में लिखा नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि नॉर्मल सैंड की बात की जा रही है, तो ये 4 to 6% एकदम सही वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी सही है, पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शन सी पे जाते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड इन वेट बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। तो बल्किंग ऑफ सैंड जो है डायरेक्टली रिलेट करता है वॉल्यूम से, और यदि इसकी वेट बैचिंग की जाती है तो उसमें ये कंसीडर नहीं किया जा पाएगा, ठीक है, उसमें ये कंसीडर्ड नहीं होगा। तो यहां पे ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, यहां पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक बार स्टेटमेंट डी भी पढ़ लेते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू फ्री मॉइस्चर फिल्म फॉर्मेशन ओवर सैंड ग्रेन। तो ठीक है, जो सरफेस मॉइस्चर टेंशन होता है उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हमको फ्री मॉइस्चर के कारण यहाँ पे एक फिल्म बन जाती है और बल्किंग शो करता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो है गलत है, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम बैचिंग जब की जाती है तभी उसमें बल्किंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम रीच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्किंग इज, तो बल्किंग क्या है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन से चालू करते हैं, ऑप्शन ए है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स द सैंड पार्टिकल्स अपार्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि मॉइस्चर कंटेंट के कारण सैंड के वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है, जो
जो कि जो सैंड पार्टिकल को अलग कर देता है, बिल्कुल सही है। और हम दूसरे ऑप्शंस की भी तरफ जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है कि स्टेटमेंट को और भी मॉडिफाई करके बोला गया हो, और वो ऐसे केसेस में वो ऑप्शंस ज्यादा सही होता है। तो हम एक बार दूसरे ऑप्शंस पे भी जाके देखेंगे। ऑप्शन बी है, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सैंड ड्यू टू इम्प्योरिटीज लाइक क्ले ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड में इम्प्योरिटी की बात तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो ऑप्शन बी एकदम से इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, रैमिंग ऑफ सैंड सो दैट इट ऑक्यूपाइज मिनिमम वॉल्यूम। तो रैमिंग भी नहीं की जाती है सैंड की, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें, कॉम्पैक्टिंग ऑफ सैंड, तो सैंड का कॉम्पैक्शन से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे हम साफ तौर पे बोल सकते हैं कि दूसरा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि स्टेटमेंट ए को मॉडिफाई करके बोला गया हो, और ए जो है सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है बल्किंग ऑफ सैंड का, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे, ठीक है। सेवेंथ है, इफ फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5, 2.5 इट इज ग्रेडेड एस, ठीक है। तो इट इज ग्रेडेड एस, तो हमें पता है कि जो फाइननेस मॉडुलस है वो डिपेंड करता है, यदि उसकी वैल्यू 2.5 है, ठीक है, 2.5 है, तो ये किस साइज को शो करेगा। हमें पता है ये साइज को शो करेगा जो कि सीव नंबर 2 और सीव नंबर 3 का जो एवरेज वैल्यू है उसको ये शो करेगा, ना कि 2.5 mm या और कुछ वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो फाइननेस मॉडुलस है, जो फाइन एग्रीगेट या सैंड के लिए यूज किए जाते हैं सीव, तो सीव नंबर 1 होती है 150 माइक्रोन, और सीव नंबर 2 होती है 300 माइक्रोन, और सीव नंबर 2 होती है 300 माइक्रोन, और सीव नंबर 3 होती है 600 माइक्रोन, ठीक है। तो 600 माइक्रोन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यू है जो 300 और 600 के बीच की है, जो 450 माइक्रोन आएगी, उसे करस्पॉन्डिंगली जो सैंड है वो कौन सी होगी, वेरी फाइन सैंड तो नहीं होगी, ठीक है। वेरी फाइन सैंड बहुत ही कम साइज की होती है, फाइन सैंड भी नहीं होगी, और कोर्स सैंड का जो साइज है वो 1 mm के आसपास तक टच करने लगता है, उसके आसपास की वैल्यू होती है। तो 450 mm जो है एक बीच का वैल्यू दिखता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मीडियम सैंड है उसके करस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू है ये गिवन, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, जो कि है कोर्स सैंड हैज अ फाइननेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ। अब यहां पे जैसे ही हमने जो क्वेश्चन किया था पहले वाला, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन ये काफी लगता है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगता है। तो जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो फाइननेस मॉडुलस, उसकी वैल्यूज हमें क्या बताती हैं, साइजेस ऑफ सीव्स बताती हैं। तो यहाँ पे 2.2 से 3.2 के बीच सारी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे यदि मैं एकदम फाइन एग्रीगेट की बात कर लूँ, तो जो फाइन एग्रीगेट है उसका जो फाइनेंस मॉडुलस है 2.2 से 2.4 या 2.5 तक माना जा सकता है, और जो मीडियम सैंड है उसका 2.4 या 2.5 से 2.8 तक माना जा सकता है, 2.9 तक माना जा सकता है, कि जो जो ये वाली रेंज शो कर रही है, ठीक है। और इसके बाद जो है कोर्स सैंड है वो 2.9 से आगे बढ़ते हुए 3.2 या 3.3, 3.4 तक जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कोर सैंड है उसके लिए फाइनेंस मॉडुलस किस रेंज का होगा, 2.9 से 3.2 के बीच का, ठीक है, 2.9 से 3.2 के बीच का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू। तो हमें फिर से फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट के बारे में बताना है, ठीक है। और ये किस चीज को बताता है, किस चीज के रफली प्रोपोर्शनेट होता है, वो चीज हमको यहाँ पे बतानी है।
तो बेसिकली हम ऑप्शंस के थ्रू अब जाएंगे, क्योंकि यहां पे ऑप्शन वाइज ही सब कुछ है। ऑप्शन ए है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन द एग्रीगेट। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि बहुत डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसका एवरेज साइज क्या है उसको फाइनेस्ट मॉडुलस बताता है, तो ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट हम दूसरे ऑप्शंस की भी तरफ जाएंगे और देखेंगे हो सकता है या इस स्टेटमेंट को कुछ सुधार के तो नहीं बोला है, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई एक इम्प्रूव्ड स्टेटमेंट तो यहां नहीं है। ऑप्शन बी है ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में जैसे हमें पता है कि हमको वॉइड कम करने होते हैं, वो दूसरी चीज होती है, ठीक है, ये एवरेज साइज को नहीं शो करती है। ठीक है, या फिर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से हम क्या शो कर सकते हैं, हमें एक रेंज मिल सकती है कि किस किस परसेंटेज रेंज में किस किस साइजेस के एग्रीगेट है, ठीक है, इससे एवरेज साइज हमको नहीं मिलता। ठीक, ऑप्शन सी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फाइनेंस मॉडल से कुछ भी लेना देना नहीं है। एट लास्ट है डी शेप ऑफ द एग्रीगेट, तो शेप का भी कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि साइजेस ऑफ सीव में से कोई से भी किसी भी शेप के एग्रीगेट जो या फिर फाइन एग्रीगेट है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एग्रीगेट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी व्हेन, तो यहां पे अब डायरेक्ट फ्लेकी एग्रीगेट के बारे में पूछा गया, डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया, तो हमें पता है फ्लेकी फ्लेक्स से बना है, मतलब वो पतला एग्रीगेट है, मतलब थिनी एग्रीगेट के बारे में हमको पूछा जा रहा है, तो जो उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी थिकनेस है या उसका जो थिकनेस है वो काफी कम होना चाहिए, तो जो उसका लीस्ट डायमेंशन से इसको कोरिलेट किया गया है, लीस्ट डायमेंशन यदि उसके मीन साइज से, ठीक है, उसके मीन डायमेंशन से क्या है 0.6 टाइम है, ठीक है, 3/5 या 0.6 टाइम है, तो ये क्या कहलाएगा फ्लेकी एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन वाइज जाते हैं, इट्स लेंथ इज इक्वल टू 5.8 टाइम्स इट्स मेन डायमेंशन, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, ऑप्शन बी है इट्स लेंथ इज इक्वल टू इट्स मेन डायमेंशन, तो मेन डायमेंशन के बराबर भी नहीं होता, ये भी गलत है। इट्स लीस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू इट्स मेन डायमेंशन। ठीक है, अब यहां पे अभी तक लेंथ की बात की जा रही थी, अब लीस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू इट्स मेन डायमेंशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी गलत है। और अब ऑप्शन डी पे जाते हैं, इट्स लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इज मीन डायमेंशन। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो इसका लीस्ट डायमेंशन है, इसका लीस्ट डायमेंशन है 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन हो, तब ये क्या कहलाता है, फ्लेकी पार्टिकल या फ्लेकी एग्रीगेट कहलाता है। तो यहां पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूंगा। कैसे उनको डील करना है, कैसे फेस करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो इसी के साथ मैं आप चलता हूँ, बाय, गुड बाय।